बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, हम बिल्कुल ठीक हैं। तो आज हम बनाने लगे हैं फिरनी। झटपट फिरनी है, बिल्कुल 15 मिनट में तैयार हो जाएगी। तो ये 1 लीटर दूध से बनाएंगे। तो ये 1 लीटर दूध है, ये मैंने ले लिया है और इसको चूल्हे पर चढ़ा दिया है, फ्लेम ऑन कर दी है। अब इसके पकने का वेट करते हैं और उतनी देर मैं इसमें ये वाला 1 कप जो है ये आपके सामने है, ये चीनी का डाल दूँगी ताकि जो है चीनी भी इसके अंदर अच्छे से मेल्ट हो जाए। और अब हम इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं। जितनी देर हमारा दूध जो है वो बॉयल होता है उतनी देर ही हम ऐसे करते हैं कि ये मैंने इसी तरह का ही 1 कप जो था ना ये लिया था मैंने चावलों का। तो ये मैं आपको बता दूं, ये मैंने टोटा चावल लिए हैं, यानी चावलों का टुकड़ा। ये अच्छे चावल हैं, हम खुद बनवाते हैं तो उसमें से जो निकल आता है टोटा, तो उसको हम खीर के लिए या फिरनी वगैरह के लिए रख लेते हैं। तो आप ज़रूरी नहीं कि साबुत चावल लें, क्योंकि चावल तो इसमें पीसे ही जाने हैं, तो हम इसमें टोटा चावल ले लेंगे। तो ये इस पर पहले मैंने 2 घंटे से अच्छे से वॉश करके पानी में भिगो कर रखे हुए थे। और ये भी बादाम है, बादाम भी मैंने पानी में भिगो कर रखे थे और अब इनको छील लिया है। तो इन दोनों चीज़ों को आप ब्लेंड कर लेते हैं। व्यूअर्स, ये बादाम और चावलों को हमने अच्छे से ब्लेंड कर लिया। कुछ बादाम के पीसेस जो हैं अंदर रह भी गए हैं, ये बहुत अच्छे लगते हैं, इसमें बहुत टेस्ट अच्छा आता है। तो अब इसके अंदर ये मैंने 1 चम्मच लिया है कस्टर्ड पाउडर, और ये मैंने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर लिया है क्योंकि इससे जो है कलर बहुत प्यारा आएगा, पिंक पिंक सा शेड आएगा। तो ये सिर्फ 1 चम्मच ही लेना है और इसको इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर लेना है। व्यूअर्स, ये देखिए हमारा ये मिक्सचर जो है ये तैयार है, जिसमें चावल भी हैं, बादाम भी हैं और हमने 1 चम्मच कस्टर्ड पाउडर भी डाला है। अब ये हमारा दूध जो है ये फुल फैट दूध लिया था, ये पक रहा है तब से, चीनी भी इसमें अच्छे से मिक्स हो गई है। आप चीनी भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो अब हम आहिस्ता आहिस्ता चम्मच हलाते हुए इसके अंदर इसको मिक्स करते जाएंगे और चम्मच हलाते जाएंगे। ऐसे इसमें चम्मच हलाते जाएं और इसको आपने 10 मिनट पकाना है। तो हमारी बहुत लजीज यमी सी फिरनी है ये तैयार होने वाली। व्यूअर्स, ये 10 मिनट हो गए हमारी फिरनी को पकते हुए। अब हम इसकी कंसिस्टेंसी चेक करते हैं, यानी कि ये तैयार हो गया कि नहीं। उसके लिए हम थोड़ी सी फिरनी लेंगे इसमें से और किसी बाउल में या प्लेट में ऐसे डाल लें। डालने के बाद इसका थोड़ा ठंडा होने का वेट करें। तो ये यानी मैं इसको ठंडा करें और इसमें आपने चम्मच हिलाते रहने मतवातर, क्योंकि अगर चम्मच नहीं हिलाएंगे ना तो इसके अंदर गुठलियाँ बन जाएंगी, क्योंकि इसके अंदर चावल है। तो चम्मच हिलाते रहने से ही है। इंशाल्लाह आपको हमारी आज की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। मेहमान आ जाए तो बहुत जल्दी से ये तैयार हो जाती है, बस 15 मिनट में। व्यूअर्स, ये देखिए जो मैंने बाउल में डाली थी, अब ये ठंडी हो गई है। अब इसको ऐसे उल्टा कर देख लें, ये देखें ये नहीं गिर रही, इसका मतलब है कि जो हमारी फिरनी है ये तैयार हो चुकी है। तो इसे हम डिश आउट करते हैं। व्यूअर्स, ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी झटपट जो है फिरनी तैयार है। ये देखें बहुत क्रीमी सी, क्रीम के बगैर ये बहुत क्रीमी फिरनी तैयार है। इंशाल्लाह आपको हमारी आज की ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को फुल वॉच करें, दुआओं में याद रखें। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।